श्री राधे, अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान नारायण का साक्षात प्रागट्य महोत्सव जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा कि इस जन्माष्टमी महोत्सव को हम किस प्रकार वैदिक रूप से शास्त्र सम्मत श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार वर्णित है, हमारे ब्रजवासियों ने जिस उत्साह उमंग और उल्लास के साथ मनाया, उसी प्रकार इस कली काल में हम लोग कैसे मनावें। तो आइए, निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत से बढ़कर और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा। कोई भी उत्सव किस प्रकार मनाना चाहिए, इसका सबसे सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और भागवत में एक साथ दो स्थानों पर, दशम स्कंद में जब भगवान का प्रागट्य होता है तो दशम स्कंद के पंचम अध्याय में नंद बाबा और ब्रजवासियों ने मिलकर जिस उमंग के साथ उल्लास के साथ मनाया, उसका वर्णन किया गया है कि गोपा परस्परम हृष्टा दधी क्षीर घृतांबुवी आसिंचन्तो विलिंपन्तो नवनीते शचिक्षेपु। अर्थात भगवान का प्रागट्य होते ही महाराज पूरा ब्रजमंडल आज भगवान को बधाई देने दौड़ पड़े। अर्थात पूरे समस्त गोकुल नगरी को सजाया गया, घर सजाया, द्वार सजाया, सड़कें सजाई, चारों ओर ध्वज पताका तोरण, घर के द्वार पर बंधनवार रंगोली सजाई गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने घर को सजाना है। देखिए, एक गलत अवधारणा है हम सब ने पाल रखी है कि प्रायः हम लोग दीपावली महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, अर्थात लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। पर लक्ष्मी जी जिनके हृदय में निवास करती हैं, लक्ष्मी जी जिनके नियंत्रण में रहती हैं, उस नारायण को हम भूल जाते हैं। तो उनके उत्सव को उससे भी अधिक उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो प्रातः उठकर ही अपने घर को, द्वार को कई कई दिन पहले से हमें स्वच्छ करना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए, सजावट करनी चाहिए, और परिष्कृत करने के बाद उत्सव की तैयारी करनी चाहिए। और ये नंदोत्सव आखिर मनाते क्यों हैं, तो उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में किया कि तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडं भूनृप। क्या कह रहे सुखदेव जी कि तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, भगवान के प्रागट्य होते ही पूरा ब्रजमंडल में समृद्धि छा गई, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गए, हरेर निवासात्म गुणी रमा क्रीडम भून रिप। रमा कहते हैं लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गई मानो गोकुल नगरी। यानी जहां भी भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है, वहां रमा यानी लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली। आप अपने कौन व्यक्ति नहीं चाहते कि मेरे घर में लक्ष्मी रमण करे, बताइए। आज इस लॉकडाउन में कोरोना महामारी के चलते लोग रोजगार से परेशान है, धन से परेशान है, पर भगवान श्री कृष्ण का उत्सव जिस घर में, जिस आंगन में, जिस द्वार में मनाया जाता है, उनका घर आंगन लक्ष्मी से परिपूर्ण हो जाता है, उनका भंडार कभी खाली नहीं होता। तो यदि आप सचमुच चाहते हैं कि यह लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख मिले, दोनों आनंद मिले, यानी जीते जी घर आंगन भरा रहे और आनंद रहे, और मृत्यु के पश्चात परम धाम का गमन भी हो, भगवान का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो, तो हर्ष उल्लास के साथ जन्माष्टमी का ये व्रत आप व्रत भी रखें और उत्सव भी मनाएं। और क्या करें, रात्रि 12 बजे, हमारे ब्रज में तो परंपरा है, हमारे राधारमण परंपरा में, राधारमण मंदिर में दोपहर को 11 बजे से ही अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ लोग तो अभिषेक जब 12:30 बजे जब अभिषेक पूर्ण हो जाता है तो तब तक व्रत करते हैं, उसके बाद फलाहार का सेवन करते हैं, तब तक जल भी नहीं पीते। और कुछ लोग रात्रि 12 बजे तक व्रत करते हैं और जैसे एकादशी के दिन फलाहार लेते हैं, ऐसे एकादशी की तरह कुटू के आटे का सेवन हो, सिंघाड़े का आटा हो, राजगिरी का आटा हो, समा चावल हो, आदि आदि इसका सेवन कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल निर्जला व्रत कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके सामर्थ्य पर, आपके शरीर के रोगों पर। यदि आप बिल्कुल निरोगी हैं, देखिए गर्भवती नारी हो, वृद्ध हो और बच्चे हो, इन लोगों को अधिक व्रत नहीं करना चाहिए, केवल भगवत के दिव्य गुणगान करना चाहिए, संकीर्तन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। इस दिन विशेष रूप से नाम जप की बड़ी महिमा है। चार माला करने वाले 8 माला करें, 8 माला करने वाले 16 माला करें, और 16 माला करने वाले 32, 64 करें, लखपति बने। 64 माला में 1 लाख हरिनाम, तो लखपति बनने का सबसे सुंदर अवसर है जन्माष्टमी का अवसर। रात्रि 12 बजे अभिषेक करें। अभिषेक के लिए अरे पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर या बूरा, ये प्राय सभी घरों में पाए जाते हैं।
तो बस इन पांचों को मिलाकर थोड़ा तुलसी दल डालकर और शंख में है, शंख यदि उपलब्ध हो तो शंख में रखे और आप अभिषेक करें। अभिषेक कैसे करें, क्या बोल के करें, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। तो वैदिक रूप से तो पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्रीमद भागवत में ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने पुरुष सूक्त, पुरुषम पुरुष सूक्त न उपतस्थे समाहित, भागवत में वर्णन है। तो यदि पुरुष सूक्त नहीं आता कोई बात नहीं, आप गूगल में देखकर यूट्यूब में चला सकते हैं। वो भी नहीं हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात नन्हे से गोपाल जी को आप वस्त्र पंचन यानी वस्त्र से भगवान को पहुँचेंगे, उसके बाद उनको वस्त्र नवीन वस्त्र धारण करेंगे, उस दिन नवीन श्रृंगार नवीन मुकुट धारण करेंगे, नवीन मोरपंख आदि धारण करेंगे, और उसके बाद पंचोपचार विधि से है चंदन, उसके बाद पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। नैवेद्य यानी भगवान को दिव्य भोग हम कैसे, और भगवान को भोग कैसे लगाएं, एकादश स्कंद के क्रिया योग में 27वें अध्याय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से उद्धव को कहा कि हम उत्सव कैसे मनावें, भगवान को सबसे प्रिय वस्तु क्या, भगवान का मेनू क्या, आजकल की भाषा में कि भगवान को क्या भोग लगावें। एक श्लोक में भगवान के समस्त व्यंजनों का नाम आया है कि गुड़ पायस सर्पीमशी शुष्कुल्या पूप मोदकान संयाव ददी सुपांश नैवेद्यम सती कल्पयेत। क्या कह रहे हैं, गुड़ पायस, भगवान को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजन, और पायस माने खीर, भगवान को बहुत प्रिय, सर्पिंशी, और उसके बाद भगवान को शुष्कुल्या, भगवान को खीर के साथ साथ दही भी, पूड़ी पुआ मोदकान अर्थात लड्डू, भगवान को लड्डू बहुत प्रिय, और दाल सर्पिंशी दाल, भगवान को चने की दाल और मूंग की दाल बहुत प्रिय है। तो ये हमारे राधारमन जी में भी इनका भोग लगता है। और संयाव दधी सूपांश, भगवान को दधी दही से बने व्यंजन और सूप नैवेद्यम, और भगवान को आप सुंदर सुंदर फल का भोग लगाएं, दिव्य नैवेद्य का भोग लगाएं, और फलाहार उस दिन आप रखते हैं तो फलाहार का भोग लगाएं। आप उस दिन अन्न का सेवन न करें, आप अगले दिन उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें, और उस दिन भगवान को कोई व्रत नहीं है, व्रत हमारे लिए, हम जीवों के लिए है। भगवान को हम उस दिन किस प्रकार मनावें, तो अधिक से अधिक उस दिन नाम जप करें। देखिए भगवान जो स्वराट भगवान, विराट भगवान जो असीम है, वो हम जीवों पर कृपा करने के लिए ससीम हो जाते हैं। विराट भगवान भी छोटे होकर नर रूप में आते हैं। क्यों आते हैं, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्तित, इन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, ताकि भक्त यदि भगवान से संबंध जोड़े तो उनके जीवन आनंद से परिपूर्ण। अरे सुदामा जैसा भक्त केवल है, केवल चार मुट्ठी कच्चे चावल लेकर गए तो उनको त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो जब आप कृष्णार्पण करोगे तो कितना कुछ आपको प्राप्त होगा। इसलिए हर्ष उल्लास के साथ भगवान का दिव्य जन्माष्टमी पर्व मनाइए और आनंद से रहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 महामंत्र का जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए और सत्संग कीजिए, और खूब आनंद उत्सव मनाइए। जय जय श्री राधे।